हैं जब पूजा खेड़कर जो विवादित आईएएस है उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तमाम शिकायतें, तमाम अनियमितताएं, तमाम फर्जीवाड़े, तमाम घालमेल के बाद अब यहां पर यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यानी कि पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती हुई, बेतहाशा बढ़ती, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो आरोप है वो ये है, दरअसल की कागजों में जबरदस्त हेरफेर किया गया, जो उनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट था उसमें हेरफेर किया गया। अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भी उनकी ओर से एड्रेस में तब्दीली कर माँ बाप के नाम में गड़बड़ी करके इसके बाद तमाम जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं उसमें हेरफेर करने के साथ यहाँ पर आईएएस बनने का जो आरोप है पूजा खेड़कर पर, हालांकि जो शिकंजा है कसते कसते यहां तक पहुंचाया जब पूजा खेड़कर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है और शायद यही वजह की कार्यवाही जो है दिखाई दे रही है। फर्जी पहचान पत्र के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप लगा है। तमाम जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उसमें हेरफेर करने का आरोप लगा है। यूपीएससी की जांच में सामने आया है कि ट्रेनी आईएएस अफसर ने जालसाजी कर डॉक्यूमेंट्स बदले हैं और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षा दी है, हर बार यहाँ पे फॉर्जरी की गई है। इसके लिए पूजा खेड़कर ने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और घर का पता तक बदला था। तो देखिए कहां कहां गड़बड़ी की गई है, पूरा का पूरा सिलेक्शन ही गड़बड़ी की भेंट चढ़ा हुआ है और शायद यही वजह है कि अब एफआईआर हो गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, यूपीएससी की परीक्षा ही क्रैक इसलिए की जाती है ताकि आप समाज में सुधार ला सके, और यहां तो इन्होंने खुद इतने बिगाड़ कर दिए हैं कि अब उनका कैरियर तो तबाह पूरी तरीके से। आज बिल्कुल मीनाक्षी, और सबसे कठिन परीक्षा में से एक है यूपीएससी की परीक्षा, और अब इसमें भी इस तरीके से धांधली होगी, लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज सेट करना जरूरी है। और यही कारण है कि यूपीएससी ने लिखित तौर पर जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी है और क्राइम ब्रांच ने यूपीएससी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में पूजा केडकर के नाम का जिक्र है और किन किन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज किया वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। चीटिंग 420 जो बीएससी है उसके तहत जो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। साथ ही इसके अलावा आईटी एक्ट की जो धाराएं हैं वो इस एफआईआर के अंदर जोड़ी गई है। डिसेबिलिटी एक्ट जो होता है वो भी इस एफआईआर के अंदर जोड़ा गया है। दरअसल यूपीएससी ने अपनी शिकायत में बताया कि कैंडिडेट को जितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं उससे ज्यादा अटेम्प्ट पूजा खेड़कर ने लिए, और उसको अटेम्प्ट करने के लिए पूजा खेड़कर ने कई फर्जी दस्तावेज जो है वो सबमिट किए। कई अलग अलग अटेम्प्ट देने के चलते उन्होंने अपने माता पिता की जानकारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग दी, साथ ही कई जगहों पर जो हस्ताक्षर है वो भी अलग तरीके से किए गए हैं। ये तमाम इंक्वायरी यूपीएससी ने सबसे पहले खुद शुरू की थी, और जब इंक्वायरी में फ्रॉड डॉक्यूमेंट का जिक्र सामने आया उसी बेसिस पर आज ही यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लिखित तौर पर जो शिकायत है वो दी थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच सोर्सेज का कहना है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच अब उन लोगों की धरपकड़ करेगी जिन्होंने ये फ्रॉड सर्टिफिकेट जो है वो पूजा खेड़कर। बिल्कुल, और अब जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी ये तो तय है कि मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि लगातार नेवी अपने आप को मजबूत कर रही है और यही वजह है कि महासागरों के किनारे अब बेस कैंप बनाए जा रहे हैं। लक्षद्वीप से आपको खबर बताते हैं जहां लक्षद्वीप में दो नए बेस कैंप तैयार किए जा रहे हैं ताकि मुंहतोड़ जवाब अब दुश्मनों को मिले। अरब सागर में ताकत बढ़ाएगा भारत, लक्षद्वीप में बनाएगा नए मिलिट्री बेस। चीन पाकिस्तान के काउंटर की तैयारी, एयरफोर्स के साथ नेवी की होगी तैनाती। देश के सबसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक लक्षद्वीप को एक नई पहचान मिलने वाली है। अब तक सैलानियों को अपने खूबसूरत समुद्र तटों से लुभाने वाले लक्षद्वीप के छोटे छोटे टापुओं ने भारतीय सेना को भी आकर्षित कर लिया है। अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप अब भारतीय सेना का भी गढ़ बनने वाला है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में दो सैन्य हवाई क्षेत्र तैयार करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार देश की समुद्री सीमाओं के पास चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मौजूद अपने इलाकों में मिलिट्री बेस स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी योजना के तहत लक्षद्वीप में दो मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की योजना पर काम शुरू होने वाला है।
जानकारी के मुताबिक लक्षद्वीप के दो द्वीप पर मिलिट्री एयरफील्ड बनाए जाएंगे। लक्षद्वीप समूह के आखिरी द्वीप मिनिकाय पर नया एयरफील्ड बनेगा, जबकि अगाती द्वीप पर मौजूदा हवाई क्षेत्र का भी विस्तार किया जाएगा। इस मिलिट्री प्रोजेक्ट का नेतृत्व भारतीय वायुसेना करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के साथ तटरक्षक बलों की भी भागीदारी होगी। बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव दिया था, जिस पर अब केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि इन एयरफील्ड पर सैन्य विमानों के साथ ड्रोन और मिसाइल्स की भी तैनाती हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि इन सैन्य हवाई पट्टियों का इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए किया जा सकेगा, जिससे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं इस प्रोजेक्ट में भारत से सुदूर दक्षिण पश्चिमी जल क्षेत्र में भी निगरानी हो सकेगी। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ा रहा है, जिसके बाद अब तक शांत अनछुए रहे इस क्षेत्र में सेना की गतिविधियों में भी इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप की स्थिति रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके द्वीपों का सैन्य इस्तेमाल भी किया जाएगा। लक्षद्वीप का मिनिकाय द्वीप मालदीव से सिर्फ 50 मील दूर है। चीन मालदीव में लगातार दखल बढ़ा रहा है, इलाके में चीनी नेवी के शिप भी एक्टिव है। मालदीव की समुद्री सीमा में भी आते हैं चीनी शिप। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर चीनी नेवी कई अभियान चला रही है, इसलिए चीन को काउंटर करने के लिए ये मिलिट्री स्टेशन बेहद अहम साबित होंगे। चीन के प्रभाव में आकर मालदीव लगातार भारत से दूरी बना रहा है, जबकि भारत विरोधी शक्तियों के साथ लगातार दोस्ती बढ़ा रहा है। मालदीव की इस करतूत से भारत के रक्षा हितों पर असर पड़ सकता है, इसलिए भारतीय सेना भी इस इलाके में खुद को मजबूत कर रही है, जिससे किसी भी संभावित चुनौती को समय से पहले ही खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की ओर से अमेरिका को करारा जवाब दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया कि रणनीतिक संचार के लिए भारत स्वतंत्र है। हर एक मुद्दे पर सहमति संभव नहीं है, हर एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राजदूत की तरफ से तमाम बड़ी बातें जो है वो रूस और यूक्रेन को लेकर जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कही गई थी। अमेरिकी राजदूत ने साफ कहा था कि यूक्रेन जंग के हालात में रणनीतिक स्वायत्तता संभव नहीं है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।